मम्मी वो जो मेरा हार था ना, वो जिस काकड़ी ने दान करवा ही दिया, जिगर जी ने इतने प्यार से लाके दिया था। राशि। अच्छा मम्मी देखो ये काकड़ी आ गई है, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। जी काकी जी बोलिए। तुम्हें क्या लगेगा तुम बाथरूम में बैठ के अपनी माता श्री से बात करोगे और मुझको पता नहीं चलेगा? नहीं नहीं काकी जी, आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं मम्मी से बात नहीं कर रही थी। अच्छा वैसे आज तुमने अपना हार मंदिर में दान करके बहुत अच्छा काम किया है, तो इसलिए बात चाहती है कि वो तुम्हारी पसंद की खीर बनाए, ठीक है? और तुम्हें उसमें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पता है हर काम तो मुझको ही करना पड़ेगा। राशि राशि एक बार चैन से बैठने भी नहीं देती है काकड़ी तो। जी काकी जी बोलिए। गोपी बहू को तुम्हारी सहायता की जरूरत है, जाओ और रसोड़े में उसकी सहायता करो। जी काकी जी मैं गोपी के पास जाती हूँ। चीनी का डिब्बा पास कीजिए, खुद जाके ले लेना। जुबान को लगाम दो राशि, वो तुम्हारी छोटी बहन है, जाओ उसे चीनी का डिब्बा दो। हाँ जी बुला लिया, थोड़ी देर के लिए खीर को देगी। तू जा। हाँ तू जा तू जा, मैं संभालूंगी। कुछ ना कुछ तो सोचना ही पड़ेगा, जैसे काकड़ी इसे टांटे, इसमें ज्यादा चीनी लगा। अरे यार गोपी ऐसा अच्छे से देख रही है और इसको अच्छे से मिक्स भी करके है, खीर बन गई है। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं निकाल लेती हूँ ये, पहले तो बा को ले जाके दे। मम्मी जी और काकड़ी भी निकाल देती हूँ, लो देख लेना। कितनी ज्यादा चीनी डाली है तुमने, खाना मन से बनाया करो। ये पूरी खीर ले जाके फेंको। और हाँ तुमने पहले बा को तो नहीं दिया है, दिमाग खराब हो गया है? चीनी का डिब्बा पास कर दीजिए। पड़ गई गोपी को डांट। बढ़िया इतना लक्ष्मण चीनी का डिब्बा दे दीजिए। हेलो मम्मी आपकी बेटी तो बहुत इंटेलिजेंट है। क्योंकि ना आज ना क्या हुआ ना, काकड़ी ने बोला कि तुम्हारा तुम्हारी पसंद का खीर बनाते हैं, तो ना गोपी गई, गोपी ने मुझसे चीनी का डिब्बा पास किया, तो उसने फिर वो चली गई। काकड़ी ने बुला लिया उसको, अच्छा टाइम पे बुलाया। मैंने क्या किया, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाया और पूरा वो जो चीनी का डिब्बा है ना उसे पूरा मिला दिया, और फिर मैंने सबसे पहले बा का निकाला, तो बा को लगा मीठा, तो बा ने बोला गोपी बहू तुम्हारा खीर इतना मीठा क्यों है? फिर मैंने मम्मी जी और काकड़ी का भी निकाल दिया, तो पड़ी गोपी को डांट।
मैं आपको बाद में कॉल करूँगी।